माना कि हम सब रुद्राक्षी की खुशी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? मेरा मतलब है ऐसे अखबार देखकर तो कोई भी आ जाएगा ना। तुम दोनों धरती लोक जाओ और रुद्राक्षी नामक बालिका का वध कर दो। रुद्राक्षी के माता पिता हैं, इस बात का सबूत क्या आपके पास? मेरी बेटी को ना उसको नींद में मुस्कुराने की आदत है। आप सब जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं आप सबसे बच्चे अलग कैसे हो गए? आपको अपने बच्चे का ख्याल तो रखना चाहिए ना। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, और अब ना मैं अपनी बच्ची को अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी, मेरा बेटा। देखिए आप एक काम कीजिए, अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर, और अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है तो उसका एड्रेस भी हमें लिख कर दे दीजिए प्लीज। जी जी जरूर। ये लीजिए, इस पे मैंने अपने घर का पूरा पता और नंबर लिख दिए हैं, साथ ही हमारे पास के पुलिस स्टेशन का नाम भी लिख दिया है। आप कभी भी हमारे घर आ सकते हैं। अब हम निकलते हैं। फाइनली बला टली। चलो बेटा। एक मिनट रुकिए। मुझे कुछ और सवाल पूछने। भाई साहब, लगता है आपको अभी तक हमारी बात पे भरोसा नहीं हुआ है। लगता है मुझे आपको अभी पक्का वाला सबूत दिखाना पड़ेगा। पक्का वाला सबूत? मेरी बेटी रुद्राक्षी के पीठ पर एक निशान है, आप चाहें तो वो निशान मेरी पीठ पर भी देख सकते हैं। अरे आप ये क्या कर रही, प्लीज रुक जाइए। ऐसे किसी को निशान दिखाते हैं, अंदर आइए। देखिए भाई साहब, आप भरोसा कीजिए, ये हमारी ही बेटी है। जी अभी पता चल जाएगा। रुद्राक्षी, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही, बताओ। अरे रो क्या रही, मुंह खोलो अपना, बताओगी कुछ? सही कह रही है, ये इनकी माँ ही है। जैसा निशान उनके पेट पर था वैसे रुद्राक्षी के भी। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि हमारी ही बेटी है। अब हम जा सकते हैं ना? जी चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा, बस हम अभी आ गए। रुद्राक्षी अपना ध्यान रखना। भैया मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। मैं ख्याल रखना, ठीक है? इसमें रुद्राक्षी के सारी पसंद की चीजें। अच्छा आप देखिए, प्लीज मना मत कीजिएगा, ये कुछ पैसे ये आप रख लीजिए प्लीज। आई इंसिस्ट, रुद्राक्षी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और मैं आता रहूंगा इसे देखने के लिए आपके घर। दीदी आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, आपके साथ मुझे आपके खाने की भी याद आएगी। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी।
पर आपको जब हमारी बहुत याद आएगी ना, तो आप हमारे पास आ जाना, फिर हम आपको आपके पसंद की सारी चीजें बनाकर खिलाएंगे। अरे मेरी बच्ची। दादू मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेटे मुझे भी बहुत याद आएगी। चलो बेटा। आप सबसे एक विनती है, कभी कभी इसे लाते रहेगा यहाँ। बिल्कुल आप ही की बच्ची है। बाय बाय दीदी। बाय बाय। Thank God, अब finally संतोषी फिर से अकेली हो जाएगी। Mom, thank you so much. Mom, आप मेरी असली mom नहीं हैं, but right now you're the best mom in this whole world. Thank you, Trishna. उस लड़की को हमारे रास्ते से निकालने का इससे अच्छा तरीका नहीं था। टैटू किसे बनाना है? मेरे को 5 मिनट। नमस्ते कामनी जी। नमस्ते। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। मॉम, अब ये दोनों कौन हैं? एक मिनट कृष्णा। ये लो। और ये। तुम दोनों को अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं कहूंगी बस उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना। फिर देखना, उस बच्ची को तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। समझे? समझ गए। अब तुम्हें भी समझ में आया? तो चलो अब काम शुरू करें। मॉम, आप कहाँ खोई हुई हैं? बहुत परेशान कर दिया था उस लड़की ने हमें। हम वैसे दलदल में फंसने वाली हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा। कृष्णा, मुझे अपनी तंत्र साधना के लिए कुछ सामान लेने जाना है। लड़की तो इस घर से चली गई है, अब बस किसी भी तरह इस संतोषी को इस घर से निकालना है, तभी मेरी टेंशन दूर होगी। पापा, आपने मुझे ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगाया? और मम्मा, आपने अपनी रुद्राक्षी को क्यों नहीं ढूंढा? ठीक से बैठो। ये बालिका अत्यधिक चतुर प्रतीत होती, किंतु देवी पौलमी की दक्षता के समक्ष सभी सूक्ष्म है।
माते, वो पुरुष और स्त्री रुद्राक्षी के माता पिता नहीं है, वो अवश्य किसी दुविधा में पड़ने वाली है। आपको उसकी सहायता करनी चाहिए माँ। गौ माता, रुद्राक्षी धरती लोक पर है, इस समय उसे उसी की सहायता मिल सकती है जिसकी सहायता उसने की हो। उसने तो संतोषी के पति की सहायता की थी। हाँ, किंतु संतोषी को सहयोग भी दिया था, कदाचित महादेव ही उसे सहयोग देंगे। मामा, मैं आपसे इतने दिनों बाद मिली हूँ, फिर भी आप मुझे प्यार नहीं कर रहे। आपसे ज्यादा प्यार तो मुझे तेरे भैया संतोषी दीदी और दादू करते थे। बेटा, भी हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। घर चलो, उसके बाद हम तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। तो इन्हें मिल गई हूँ, फिर किस बात की टेंशन। अगर आपको मेरी याद आए तो इस स्टॉल को रुद्राक्षी समझ के गले लगाना। अगर मेरे मम्मी पापा आ गए, मैं चली गई, तो हमें साथ में खाने का मौका नहीं मिलेगा। दीदी और गाइए ना। संतोषी, हमें पता है बेटी, रुद्राक्षी तुम्हें बहुत याद आ रही। क्या कहें बेटे, हम भी उसकी कमी बहुत महसूस कर रहे। पता नहीं क्यों कहते, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटी, बच्चों की चहल पहल कुछ ऐसी ही होती है, जब चले जाते हैं तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है। काका देखिए ना, उसके कपड़े यही रह गए। क्या? उसे ये कपड़े बहुत पसंद थे, धैर्य सर ने बड़े प्यार से लाकर दिए थे। काका, अभी वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, धैर्य सर को बोले ना फोन करके उन लोगों को वापस बुलाएं, बस ये कपड़ा दे देंगे फिर वापस चले जाएंगे। हाँ बेटे, चलो चलो। धैर्य, अरे बेटा, वो रुद्राक्षी के कुछ यहाँ कपड़े रह गए, उसके पापा को फोन करो और कहो कि आके ले जाए। इतनी भी क्या जल्दी है, जब वो दोबारा आएगी तब लेके चली जाएगी। कृष्णा जी सही कह रही हैं, एक्चुअली ऐसी क्या एजेंसी है, ठीक है बाद में आके ले जाएगी। अरे सर, कोई और कपड़े होते तो हम नहीं कहते, लेकिन ये कपड़े उसके पसंदीदा हैं, आपने लाकर दिया था उसे। वो भैया, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी ड्रेस लेके आए हो, अब से ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ। ये लो बेटे, ये सारे नंबर मेरे पास। धैर्य ने कॉल किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और मॉम भी यहाँ नहीं, और मैं अकेले क्या करूँ। धैर्य रहने दो ना, काफी टाइम हो गया, वो लोग काफी आगे निकल गए हूँ। नहीं, मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब वैसे भी वो जो कपड़े हैं वो रुद्राक्षी की फेवरेट है, खुश हो जाएगी अगर मिल जाएंगे उसे। रॉन्ग नंबर, सॉरी, आई एम सॉरी। क्या हुआ? ये जितने नंबर्स उसने दिए हैं ये सारे किसी टोनी टैटू वाले के, पर ऐसे कैसे हो सकता है? होना हो, वो लोग धोखा देकर हमसे हमारी बच्ची लेकर चले गए।
वो उसके मम्मी पापा नहीं थे धैर्य से। वो टैटू वाले से अपने पेट पर टैटू बनवाया था जिसके भरोसे पर हमने अपनी बच्ची उन्हें दे दी। आप जरा दोबारा से उस टैटू वाले को फोन कीजिए, जरा पूछे तो कोई आया था उनके पास जो पेट पर ऐसे टैटू बनवा कर गया। पूछता। हेलो टोनी जी, सॉरी मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ आपको। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, कुछ पूछना था। आपके पास कोई औरत आके पीठ पे टैटू करा के गई क्या? हाँ, अभी एक औरत आई थी मेरे पास, उनके साथ एक आदमी भी था। थैंक यू। क्या कहा? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। रुद्राक्षी किसी गलत हाथ में चलेगी, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस अपना काम पता नहीं कब शुरू करेगी, हमें खुद से जाकर ढूंढना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं भी जाता हूँ। ये तृष्णा अत्यधिक निर्बल, स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती, अब हमें ही कुछ करना होगा। माते संतोषी और उसके पति के मार्ग में देवी पौलमी और उनकी भक्त पुनः कोई बाधा उत्पन्न न कर दे। गौ माता, हम चाहकर भी प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इन साधारण मनुष्य को रोकना हमारे लिए तुच्छ सा कार्य है। तुम नहीं आओगी, समझी ना? मैं अकेले जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। देखिए, आपकी नाराजगी हमारे साथ है, लेकिन अभी रुद्राक्षी का सवाल है। वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और समय बहुत कम है। अकेले ढूंढेंगे, इसे अच्छा मिलकर साथ में ढूंढते हैं। ये अस्त्र उनके वाहन को आगे नहीं बढ़ने देगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? पता नहीं, गाड़ी अटक सी गई है। नारायण नारायण, ये देवर्षि इस ओर क्यों आ रहे? इनके कारण संतोषी का पति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रणाम देवी पौलमी। कहिए देवर्षि, किस प्रयोजन से आना हुआ? नारायण नारायण। देवी, प्रयोजन की क्या आवश्यकता है? हम आपसे भेंट करने हेतु भी तो आ सकते हैं ना? माते, आपने तो उत्तम उपाय निकाला है, अब देवी पौलमी कुछ नहीं कर पाएगी। धैर्य, हमें लगता है हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। क्यों? देखिए ना, जैसे उन लोगों ने अपना फोन नंबर गलत दिया था, घर का पता भी तो गलत दे सकते हैं। हमें लगता है हमें उस तरफ जाना चाहिए। दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हारी बात मान लेता। माते, कई दिनों पश्चात संतोषी और उसका पति एक बात पर सहमत हुए। रुद्राक्षी ने दोनों को तनिक ही सही किंतु निकट ला दिया है। नारायण नारायण। ऐसी देवी, शिवरात्रि के उत्सव के पश्चात हमें ऐसे प्रतीत होता है कि प्रत्येक माह देवलोक में भी कोई ना कोई महोत्सव अवश्य होना चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है? देवर्षि, कोई पर्व होना भी तो आवश्यक है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने देवी पौलमी। आज आपसे वार्ता करके हमें अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए देवी पौलमी। नारायण देवी देवी पौलमी, हमारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम करें।
अच्छा पापा, हमारा घर किधर है और हमारे घर में कौन कौन है? मेरा छोटा भाई भी होगा ना, अगर वो नहीं है तो आएगा ना वो? ए, चुपचाप बैठ, बंद कर ये बकबक। जब से मिली है तब से दिमाग ही खाए जा रही है। लोगों के साथ नहीं जाते, मुझे वापस दे रहे भैया की बात छोड़ो प्लीज। ए, चुपचाप बैठी रहे वरना दो लगाऊंगा कान के नीचे अभी। वो मेरे पापा नहीं हो सकते।